अभी मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली आपके जो पेरेंट्स हैं, जब कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलती तो आपके पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं जितना आप घबराते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उनको ये लगता है कि जवान लड़का है, जवान लड़की है, एकदम असफलता को सामना ना कर पाए, कहीं घबरा जाए। एक पेरेंट्स जो एक पिता के क्या शब्द होते हैं जब वो अपने बेटे को बार बार असफलता प्राप्त करते हुए देखता है, परंतु वो उसके पीछे के कारण को नहीं समझ पाता। हो सकता है कि उसके पीछे का कारण उसका ना पढ़ना रहा हो सकता है कि उसके पीछे का कारण किसी से बातें करते रहना रहा हो, परंतु वो पिता क्या सोचता है ये मैं आज आपको समझाता हूं। उसके शब्द ये होते हैं कि बेटे तू घबरा मत, तेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, एक नौकरी तेरी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकती, मैं भी अभी बहुत अच्छी एज पर हूं, मैं भी अच्छा खासा कमा रहा हूं, तू टेंशन मत ले, अभी तो जीवन के तू उस पड़ाव पर है जहां पर जीवन शुरू हुआ है, एक नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, तू अच्छे से मेहनत कर, तेरा कुछ और अच्छा होना तय है, नहीं भी कुछ होगा तो मैं तेरे को कोई काम करवा दूंगा, पर तू टेंशन मत ले। ये उस पिता के तड़पते हुए दिल की बात है जो इस बात को समझता है कि मेरा बेटा सक्सेस तो नहीं हो पाया, चलो वो तो जो हुआ सो हुआ, परंतु वो कहीं कोई गलत स्टेप ना उठा ले। पर मैं इसके ऊपर आपको ये कहना चाहता हूं, ये तो उस पिता की सोच तब सही है अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, पर अगर आप उन्हें धोखा दे रहे हैं और आपको तब वो ये शब्द बोले तो आपके सीने से एकदम से मतलब दर्द उठना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आप पर कितना विश्वास करते हैं, कितना बिलीव करते हैं और हम उनको किस लेवल पर धोखा दे रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, किसी भी तरह से समय खराब मत करें, समय वेस्ट मत करें, ये कीमती समय है, ये बार बार नहीं आएगा। आप जवान हो रहे हैं पर वो वृद्ध हो रहे हैं, वो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको अब सहारे की जरूरत है, अब लेट ना करें, अब उनको सहारा बने। उनका सहारा आप लेते रहेंगे, अब बारी हमारी है, इंतजार नहीं, अब हमें करके दे